हेलो दोस्तों, ऑल इन वन टीईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रारंभिक शिक्षक के 4800 पदों पर 2.5 लाख अभ्यर्थी दावेदार। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के छठे चरण में 4800 पदों के लिए करीब 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। कुछ विषयों में ज़्यादा आवेदन होने के कारण चयन की राह भी मुश्किल होगी। आवेदन की प्रक्रिया जो है 23 नवंबर तक जो थी पूरी हो चुकी है। अब सभी प्रखंड एवं पंचायत नियोजन इकाइयों को मिले आवेदन जो है जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं। वहीं पे मुजफ्फरपुर में शिक्षक बनने के लिए दूसरे जिले के साथ दूसरे राज्य के अभ्यर्थी में भी हो रहा है। विभाग ने पात्रता में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी मौका देकर बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही इस बार एक से अधिक नियोजन इकाइयों में आवेदन करने की भी छूट थी। मोतीपुर प्रखंड इकाई में केवल सभी विषयों के लिए करीबन 11,000 आवेदन जमा हुए हैं। इसी तरह विभिन्न पंचायतों में 5-6 हज़ार आवेदन हैं। अन्य नियोजन इकाइयों में भी इसी तरह आवेदनों के भरमार है। 5 दिसंबर तक तैयार होगी मेघा सूची। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए मिले आवेदन की जांच के बाद 5 दिसंबर तक मेघा सूची तैयार कर लेनी है। विभाग की ओर से सभी प्रखंड एवं पंचायत नियोजन इकाइयों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। हालांकि आवेदन की संख्या अधिक होने के कारण 5 दिसंबर तक मेघा सूची तैयार होने पर संशय है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पंचायती राज संस्थाओं पर जिम्मेदारी है। प्रयास किया जा रहा है कि तय समय में ही नियोजन प्रक्रिया पूरी हो। दिसंबर में सूची का प्रकाशन, जनवरी में आपत्ति। दोस्तों, देख सकते हैं 11 दिसंबर तक सभी नियोजन इकाइयों को मेघा सूची का अनुमोदन करने का अवसर दिया गया है। 16 दिसंबर तक मेघा सूची प्रकाशित की जाएगी, जिस पर 2 जनवरी से 17 जनवरी 2020 तक आपत्ति ली जाएगी। 21 जनवरी तक आपत्तियों का निराकरण करते हुए 25 जनवरी तक अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन होना है। अन्य प्रक्रिया पूरी करके 31 मार्च तक नियोजन पत्र निर्गत करना है। मेघा सूची में टीईटी का अनुक्रमांक भी जोड़ा गया। दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए तैयारी होने वाली मेघा सूची में अभ्यर्थी के टीईटी का अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर को भी जोड़ा जाएगा। विभाग ने सभी नियोजन इकाइयों को संशोधित फॉर्मेट भेज दिया है। वहीं पे डीपीओ स्थापना ने सभी नियोजन इकाइयों को पत्र भेजकर संशोधित फॉर्मेट में ही मेघा सूची तैयार करने को कहा है। पहले जो फॉर्मेट दिया गया था उसमें केवल शैक्षिक योग्यता और मार्क्स की जानकारी मांगी गई थी। विभाग का कहना है कि टीईटी का अनुक्रमांक नहीं होने से जांच के दौरान परेशानी होगी। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि जिले में 2 से 2.5 लाख आवेदन जमा होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों ने 50 से अधिक नियोजन इकाई में भी आवेदन किए हैं। 5 दिसंबर तक सभी प्रखंड पंचायत इकाइयों को मेघा सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। विभाग की ओर से निर्धारित शेड्यूल के अनुसार नियोजन प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ ही पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने को कहा गया है। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं डीपीओ स्थापना अब्दुल सलाम अंसारी की ये स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आ रही है कि मुजफ्फरपुर ज़िले में 4800 पद के लिए 2.5 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों का दावेदारी है। इसी तरह हर ज़िले में यही कंडीशन बना हुआ है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।